सर एक मिनट, एक मास्क निकाल। मार रहा है फोटो। हाय कम बी यू अब्दुल्ला साहब को सम्मान करेंगे अवार्ड से। वो अवार्ड दे रहे हैं हमारे बॉलीवुड के जाने माने एक्ट्रेस अनुपमा मैडम। प्लीज आपके हाथों से जो भी तालियां हो जाए एक टोकन सर्टिफिकेट अवार्ड और हमारे फाउंडेशन की तरफ से बनता है बॉस। आमची मुंबई तो बोले जाने कोई मुंबई करें हम लोग फोटो कैश। हमारे मनीषा मैम प्लीज आप जॉइन हो जाए और काफी पिक्चर लुक फोटो मार कैश सामने पिक्चर लुक। यहाँ पे आते Great privilege to have Mr. Dr. Bo Abdullah in the board of First Humanity Foundation, and having him in our team, and we all are looking forward to work and give our best service for all humanity, and we try our best to get more and more to the people who are really need from our side support. We definitely be support them from our full heart. More of our Mr. Sunil will say our Humanity Foundation. And Vishal sir, your foundation has been working for the poor, for the unprivileged, providing food donations and you know organizing sports events and being praised by police also. So what do you have to say about it? No, right now we started in the food campaign and education. We are also slowly helping out, and we are doing for a start for a school for people who are looking for education. That's also our future plan, and for as a even for our hospitalities, you know, looking for Varanasi, we are planning to get a hospital there. And Abdullah sir have inaugurated the branch at Dubai. So, how is the association in Dubai, sir? Dubai, actually, our base is from Dubai, and this all our team like who are working here in Mumbai and certain place in our India sector as well, like in state in Gujarat, some in Tamil Nadu as well. So. We are just in the beginning, you know, stay in 4 months just we started, and I think we did almost 16 event. So looking forward, and all you guys can support in that way. मनीषा जी ऑर्गेनाइजर हैं आप और फिल्ममेकर भी हैं, और जो इनिशिएटिव है आपका फर्स्ट ह्यूमैनिटी फाउंडेशन का, डूइंग वंडरफुल वर्क यू नो इन द फील्ड ऑफ फूड डोनेशन टू ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स और प्रेज बाय पुलिस। क्या कहना चाहेंगे कि कितना अच्छा इनिशिएटिव मानती हैं आप इसको, कितना ज्यादा? आप सभी का प्यार है, मोहब्बत है, भगवान का करम है, शुक्रगुजार हूँ कि इतने अच्छी स्टार्ट हुई है और हम जरिया बने हैं, मसीहा बने हैं कि हमारे जरिए बहुत लोगों को हेल्प करे है, बाय एजुकेशन वाइज, बाय हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स है, हॉस्पिटल बनाए, कॉलेज बनाए उसके लिए। तो ये शुक्रगुजार हूँ आप सभी का, क्या आप हमारी वॉइस बने हो। और अब्दुल्ला सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो एसोसिएटेड हैं, आपको काफी सपोर्ट करते हैं आपको इस इनिशिएटिव में और आज यहाँ आए हैं। जस्ट ब्लेस्ड एंड ऑन सातवें आसमान पे है जो उन्होंने नजराना दिया है और सपोर्ट किया है। सो व्हाट आर द अनदर इनिशिएटिव फ्यूचर में क्या और करने वाली है उसके बारे में बताइए, जो पहले कर चुके हैं वो तो वंडरफुल है, फ्यूचर में क्या विजन है आपका इसको लेके? कॉलेजेस के हिसाब से एजुकेशन प्रोवाइड करने का पावरफुल बेस है कि हर जगह एजुकेशन पहुंचे, आवाज बनके आए। और हॉस्पिटल्स के बारे में सबने कहा कि यू नो क्रिएटिंग हॉस्पिटल्स फॉर द पुअर कितना जरूरी है, क्योंकि यू नो हॉस्पिटैलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया में हमने जेएनके में स्टडी किया कि वहाँ एजुकेशन के हिसाब से काफी कम चल रहा है, तो जहाँ जहाँ जरूरतमंद है वहाँ बेशक करते हैं और कर रहे हैं फिलहाल। तो नेशनली काफी एक्सपेंडेड है और इंटरनेशनली दुबई में इंटरनेशनली 100%
तो फ्यूचर में और कहाँ पे एक्सपेंड करने का प्लान है आपका, नेशनल और इंटरनेशनल? जहाँ जहाँ से हेल्प कर सके और जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ डेफिनेटली हम कर रहे हैं। अनुपा जी आपसे जानना चाहूंगा कि बीइंग एन बॉलीवुड एक्ट्रेस बट यू नो सोशल इनिशिएटिव बहुत जरूरी होता है, जिम्मेदारी होती है, तो मनीषा जी का और विशाल सर का कितना अच्छा इनिशिएटिव है? मनीषा जी का और विशाल जी का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो फर्स्टली आई वांट टू से बिग थैंक्स फॉर विशाल जी एंड मनीषा जी एंड अब्दुल्ला सर, जो यू नो फर्स्ट ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के थ्रू हमें अक्रॉस द ग्लोब बहुत अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है। तो विशाल जी कैसे एसोसिएट हो सकते हैं, जो आपसे एसोसिएट होना चाहे एज अ वॉलंटियर या एज अ इंडिविजुअल, व्हाट आर द वे टू एसोसिएट विद योर फाउंडेशन? सो दैट्स वन प्रोसीजर जो हम लोग किए थे, जो आई थिंक आप वेबसाइट में आप देख सकते हो, इनमें एक नंबर मेंशन है, सो इन दैट मिस्टर सुनील भाई जो हमारे जो आपको कॉन्टेक्ट में रहेंगे, जिंदगी में अच्छा काम किया है इसीलिए आज वो डॉक्टर बी यू अब्दुल्ला आज लोगों को लेके चलते हैं, पूरे हिंदुस्तान को नहीं पूरे वर्ल्ड को लेके चलते हैं। ऐसा कोई अवार्ड शो नहीं जहाँ पर वो ऐसे चीफ गेस्ट होंगे। भाईजान ने बोला है कल्याण जी आप यहाँ पर आप कल आना है आप और आप सब साथ आप सब एक। मैं डीपीआई चलाता हूँ बाबा साहेब फाल्के आई प्रोवाइड फिल्म्स, लेकिन जब मैंने सर्च किया फर्स्ट मल्टी फाउंडेशन के ऊपर तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया लॉकडाउन में। इसके अलावा मैं विशाल जी को, मैं सुनील जी को, मैं मनीषा जी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। डीपीआईएफ आपके साथ है, डीपीआईएफ की पूरी हिंदुस्तान में 12,000 मेंबर हैं और डीपीआईएफ एक ऐसा एनजीओ है जो आपको हर वक्त आपके साथ खड़ा है। बाबा साहेब फाल्के आई करोगे फिल्म और ये फाउंडेशन जो बड़े शो 24 पे हमारा शो हुआ वो भी बी यू अब्दुल्ला के जी के वजह से हुआ गया। कि मेरा दुबई में शो होने जा रहा है वो भी हमारे बी यू अब्दुल्ला जी के वजह से हो रहे हैं। मैं थैंक्स करता हूँ मैं किशोर शेट्टी जी को जो अब्दुल्ला जी को जिस तरीके से हम सबके बीच में लेके आते हैं, हमारे फोन को अटेंड करते हैं। और किशोर शेट्टी जी जो है अब्दुल्ला जी का राइट हैंड है, मतलब एक अंग है। तो थैंक यू मैं बोलना चाहता हूँ मेरे बड़े भाई डॉक्टर बी यू अब्दुल्ला जी को जिन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे इन्वाइट किया, मुझे बुलाया। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ भाईजान एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत सारे दोस्त मुझे मिला, बहुत से लोग मुझे मिला जो मेले में पिछड़े गए, लेकिन थैंक यू सो मच। मैं कहता हूँ दिल से कहता हूँ मैं लास्ट में फर्स्ट ह्यूमैनिटी फाउंडेशन को और आप सभी से मैं निवेदन है आप सभी को दिखा दे लेकिन एक अच्छा काम करो, ये एनजीओ एक अच्छा काम कर तो प्लीज़ आप लोग जितना हो सके उतना दिखाइए। आप दिखाओगे तो हम और अच्छा काम करेंगे, तगड़ा काम करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल मीडिया एंड ऑल गेस्ट। आगे का जो भी हम लोग का काम है मोस्टली मीडिया, तो मनीषा जी है सबका साथ, तभी तो रहेगी दुनिया चलेगी दुनिया, एक साथ चलेंगे, साथ दीजिए, एक स्टेप आप लीजिए आगे 99 स्टेप हम लेंगे, ले रहे हैं। सर बहुत सर आपसे हम क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या टेक है फाउंडेशन चलाना रन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? मुझे समझ में आ गया है यू नीड अ वेरी गुड एंड लार्ज हार्ट टू हेल्प समवन, टू हेल्प द पुअर, टू हेल्प द अंडरप्रिविलेज्ड एंड दिस फाउंडेशन हैज स्टार्टेड एंड आई विस there should be a leapfrog approach and I wish Manisha, Anupama, Vishal and Sunil the great success in future and on behalf of all of us I welcome Dr. B.U. Abdullah here in India and we all are with you in your this philanthropic approach, it touch our heart that you are involved emotionally and you are fully cooperating and you are
coming so long to help all of us. Definitely this organization, this NGO, this team will work on the ground and you will see the great success and you will find the smile at every face which you face. Abdullah sir, what do you have to say? Aapko kya, what do you have to say regarding the foundation work and about Manisha ji and about Vishal sir and about Kalyan ji Jana? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hindi ko lang English. Thank you so much for talking to me in India. Thank you for inviting me also. Sir, thoda loud. Thank you. Just want to say thank you so much for welcoming me here to India. Thank you to invite me also by First Community Foundation. And he's choosing me to be a part of them. I think he's doing a great job. I think he's doing helping the community. My support always with him. My love and respect with all. How I can support, I put my best in something for community. And I am part with these people because he's doing something for tomorrow. Thank you so much. Lastly, Vishal ji, what is the greater vision? What is the ultimate goal of your foundation? To be at what height? For our vision, I have like, you know, to, I think, to give a best to best in not in our only for India. We are planning to do in a, even for African sector or even for any countries who are suffering for some food or something like education wise or any medical support intended. So we're planning for future, we want to help even from outside, even from home for India. We are not taking any kind of, you know, like we are not showing only particular for India. We are just planning to serve our own service to the world, especially as in education and for a medical purpose. That's our plan. Manisha ji, aap bataiye, aapka kya vision hai? आपके फाउंडेशन को लेकर किस तरह से देखते हैं? मंत्र ही है सर्विंग ह्यूमैनिटी अक्रॉस द ग्लोब बाय ईच एंड एवरीवेयर, हर तरफ से, हर जगह से, हर तरीके से, यही हमारा मोटो है, हर जगह से सपोर्ट कीजिए बस। कल्याण भाई, आप बोलिए क्या कहना चाहेंगे इस फाउंडेशन वाला जो मकसद है, आपका सपोर्ट कैसे रहेगा उसमें? मेरा सपोर्ट तन मन, धन तो मैं नहीं है लेकिन तन मन से मेरा सपोर्ट रहेगा। धन जब आ जाएंगे महादेव की दुआ से तो धन भी रहेगा। मैं इतना खाली कहता हूँ, धन तो थोड़ी है, जब डॉक्टर बी यू अब्दुल्ला जैसी इंसान जो जुड़े हैं, धन की जरूरत नहीं है। बस मेरी मन और तन और मेरे जितने भी मेरे मेंबर्स हैं मेरे एनजीओ के, इंडिया में है, इंडिया के बाहर है, बेसिकली यूए का प्रेसिडेंट है हमारे डॉक्टर बी यू अब्दुल्ला साहब और लीगल एडवाइजर है, तो जब हमारे एनजीओ में है, मैडम के एनजीओ में, सर के एनजीओ में, तो हर, क्योंकि बीयू अब्दुल्ला को एक अच्छा काम करना है, सबको लेके चलना है, एक एक एनजीओ में है, दूसरे एनजीओ में नहीं, उनको सबको लेके चलना है। हर एनजीओ एक अच्छा काम करता है, मैं सभी एनजीओ को बोला, ऐसा नहीं है जो मैं फास्ट मॉनिटरी में अच्छा काम कर रहा है, मेरा एनजीओ अच्छा काम कर, नहीं, जिनकी जिनकी भी एनजीओ है सबने अच्छा काम कर रहा है, मॉनिटरी के लिए काम कर रहा है, और वो काम दिखा दिया है लॉकडाउन में, जिस तरीके से लॉकडाउन में इतना अच्छा काम हुआ है, इतने अच्छे लोगों ने सेवा किया, एनजीओ ने सेवा किया है, और ऐसे एनजीओ होना भी चाहिए हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर। मैं चाहता हूँ और भी एनजीओ बने, लोगों का सेवा करें, सिर्फ सेवा करें, सेवा करें, सेवा करें, कुछ नहीं लेके आए इस दुनिया में और ना कुछ लेके जाएंगे, बस लेके जाएंगे आपका काम, आपका पहचान और आपका नाम और आपका बोली जवाब। एंड थैंक यू सो मच, आप सभी को नमस्कार, अल्लाह हाफिज, हर हर महादेव। सर है ना, थोड़ा सा नीचे कर लो कल्याण जी भाई, थोड़ा और कौन हाथ लगाया ऊपर, फिर कैस पिक्चर। थैंक यू, लव यू मीडिया। अरे मंसूर।